माई कहां से आई हो? दिल्ली से। ऐसे दिल्ली से। दिल्ली से आई हो। दिल्ली में कहां रहती हो? रोहिणी। क्या समस्या लेके आई आप? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। बहू ने दहेज का और डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रखा। बहू ने दहेज का और डोमेस्टिक वायलेंस, तो क्या केस कर दिया? हां जी, केस कर। तो बहू का नाम क्या है? रितु। उसके पति का नाम क्या है? पंकज। पढ़िए, माइक नीचे रखिए, क्योंकि आप माइक ऐसे कर लेते तो फिर सामने दिखाई नहीं देता। आईज कॉन्टेक्ट में रहिए और देखिए। रितु जाट द्वारा तलाक का योग, एक पुत्री है उसके पास, एक पुत्र भी है, मैं सुना ना, एक पुत्री है उसके पास, उसका नाम है प्रव्या। क्या नाम है बेटी का, नातिन का आपकी? माइक से बोलिए। प्रव्या। कहां लिखा प्रव्या इसमें? लिखा एक पुत्री प्रव्या है, कृपा होगी। बालक का नाम पंकज है, पुलिस केस बन रहा है, जमानत पर आप हैं, आगे पूर्ण जमानत प्राप्त होगी, आप जेल नहीं जाएंगी, आपके बच्चे की पुनः शादी होगी 99.1%, लेकिन तलाक के बाद होगी, आशीर्वाद है। कब तक होगी सर? गुरुजी कब तक? तलाक? तलाक भी और शादी भी। शादी पहले कराओगी तो सब लोग जेल जाओगे। नहीं सर, पहले तलाक। माइक नीचे रखो। घर में तंत्र बाधा का प्रयोग है, चौकी रखी गई है। तुम्हारा नाम क्या है? नीलम। दीपिका कौन है? आपके बच्चे की कोई पहले गर्लफ्रेंड थी? बच्चे से बात हो सकती है? बात कराइए। पंकज आया है? पंकज खड़ा हुई है बेटा। बेटा ये दीपिका कौन है आपकी? पुरानी थी? अच्छा अच्छा, दीपिका ही नाम था, गुड़गांव की थी। अच्छा अच्छा, रख लो, बैठ बैठ जाओ, बैठ लो, तीसरी भी आ जाएगी, चिंता मत। अरे चिंता मत करो, पंकज की शादी होगी लेकिन पहले तलाक होगा। और यदि आप कहें कि हमको रितु भी वापस चाहिए तो रितु भी आ जाएगी। वो आप बच्चे से पूछो, अरे वहीं से बोलो, जल्दी आ जाएगा। हाँ रितु चाहिए? ये माइक से बोलो, माइक से बोलो, क्या बोल रहे हो? रितु चाहिए या दूसरी चाहिए? चलिए हम तो यही कहेंगे कि हमेशा घर बिगड़ा हुआ बने, फिर उसके बाद ऑप्शन में यह है, जो ना बने तो कैसे भी बने, जो उचित हो, ठीक है। लेकिन आपके पास में क्या एक 500 का नोट है जिसका नंबर है 0DR 2690 77? आ जाओ, इनका बैग भी लाना, इनका बैग भी लाना साथ में, इनका बैग भी लेके आइए, और तुम अपना भी बैग लेके आओ जिसका नंबर है 0DR 2690 77। देखिए आप अपने जेब में देखिए, मम्मी के में देखिए, और दूसरा नोट का नंबर है 6DH 4630 81, और तीसरा नोट है 2CQ 00 75 36। पहला आपने नोट निकाला है 520 65 20, कितना देखना आप, राइट। और अपनी जेब देखिए जिसका नंबर है 7BP 42 83 02 0DR 2690 77 6DH 4630 81 और 2CQ 00 75 36। आप मिलाइए, आपके पास ये नोट भी होंगे और नंबर मैं बिफोर डाल रहा हूं, और आप निकालो, ये प्रमाण है, ढूंढो निकालो, दिखाओ कितना है, 4831 है, दिखाओ वहां पे। कैमरा कॉन्टेक्ट, और निकालिए, और भी निकलेंगे। अरे गड्डिया ही निकाल लो, कहां कितनी है। हाँ निकालो, निकलेंगे, जो लिखा है वो निकलेंगे। भैया नंबर मिलाओ, 77 इसमें लिखा देखो है। मैं माइंड नहीं पढ़ता, मैं वो गुरु हूं कि जहां भी मारता हूं 6 बाउंड्री 4। श्री पंडोकर सरकार का स्मरण करो,
ओम नमः शिवाय की माला करो, पंडुक सकर चालीसा का पाठ करो, मैं गारंटी देता हूं आपकी पंकज को बढ़िया सुंदर बहू और सुंदर बना के लाएंगे, अशांति वाली नहीं लाएंगे और अशांति खत्म करके को लाएंगे। ठीक है, माइक नीचे रखिए और हनुमान जी की कृपा करें माइक। और इसके लिए मैं एक उपचार लिख रहा हूं, उसके नियम से कर लीजिएगा, आशीर्वाद। ठीक है, क्या समस्या लिखा है, सब लोग सुन रहे हैं, बोले। गुरु जी, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ कि जो भी पापा करते हैं खेती भी बरकत नहीं हो रही है, कुछ नहीं है। गुरु जी, मेरी शादी से इतनी लड़ाई है, बहुत शादी से शादी हो गई तो पत्नी से लड़ाई है कि शादी से लड़ाई है? कलेश है घर में, पत्नी से ही नहीं सबसे ही होता है, जीजा दीदी सबसे। चलो माइक रखो नीचे, हमने लिखा है, पढ़िए। अजय सिंह चौधरी जी पिताजी हैं, क्या नाम है? चरण सिंह। चलो, घर में तनाव रहता है, पत्नी का नाम क्या है पढ़िए, दीपक कहां लिखा, दीपक कहां लिखा, कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? अजय सिंह चौधरी जी पिताजी के पिता, क्या नाम है उनका, दादा का नाम क्या आपके? रोहन सिंह पिता का नाम क्या है? चरण सिंह पिता का नाम क्या है? उनके दादा का नाम क्या है? सुनिए, एक चीज सुनिए, ये चीज विचित्र आ रही है, पथरी रोग है दीपा को पुत्र, आपके ससुर का नाम क्या है? इसमें लिख रहे हैं पथरी रोग है दीपा को पुत्र रत्न, घर का कलेश बना है, पुत्र की कामना पूरी होगी। ठीक है, 15 दिसंबर 2024 से 2025 2026 तक चिंता ना करें, लाभ होगा, आशीर्वाद है, तीन रामायण, तीन दिन का हवन, तीन नए बंधन होंगे, पितृ देवता पूजना पड़ेगा, अजय सिंह नाम की लिखा है, पितर देवता पूजना पड़ेगा। एक पुराने कोई पुरखा है जिनका नाम अजय सिंह चौधरी जी है, वो पितर बने हैं, उनका स्थान देना पड़ेगा, आशीर्वाद है। जी हाँ, मनोरथ पूर्ण होगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। पथरी किसको हुई थी पहले, पथरी किसको हुई आपके यहाँ, आपको भी अब पत्नी, तो इसमें लिखा तो है, ये लिखा पथरी, देखो लिखा ना, ये निशान लगा दिए, और इनका स्थान देना है अपन को पितर के रूप में, ये लिखो, हमने यहां पर डाल देते हैं, देखिए हमने निशान लगा दिया नीले पेन से, ये और ये पॉइंट सेंटर से है, तो इनका स्थान देना है, और ये पिताजी को भी तनाव तंत्र का प्रभाव है, कलिश रहता होगा, हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, और इस विषय पर अंगामी भी आप अलग से मिल लीजिएगा और मिलवा दीजिएगा इनको। ठीक है जी, यहां लिख देता हूं, मिलने देना है, और आज ही मिलवा देना वीआईपी मुलाकात में। ठीक है, अगली बार, ठीक है ना, जाओ वहां पहुंचो।